अली चंदन जी, हज कमेटी के मेंबर और जहीर बाबर साहब, तो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ हमारे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जनाब सैयद हाफिज जी, और इस साल के हमारे हज के ट्रेनर सीनियर मोस्ट हाजी अली साहब, साथ ही साथ हमारे खादिम हुजाज हाजी अली खान साहब, और हज लॉजिस्टिक्स कुटखन माती आकाशीय कराती साहब नाम जिया साहब, तो बाकी मीडिया पर्सन सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल के आया। तो दिली जी मेटी मकसद को सर मता 2023 से हज को मता का चुकी सुन रहा, 2023 का हज का हमारा कैसा रहा उसके ऊपर हम एक रिव्यू ले रहे हैं। तो सर ने जो हमारे हुजाज इस साल जो गए हैं उनसे भी हम फीडबैक लेंगे, तो आगे 2024 के लिए एक्शन प्लान भी हम कैसे करें, इन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने ख्याल शेयर करें, क्योंकि इस साल एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर आप खुद भी नशीब लिया है, तो कहाँ क्या रहा वो बल कह रहे। हमारे सिंगल का भी होता था तो जो कवर हेड के अंदर चार लोग थे वो तो एक ही रूम में रह रहे थे ना, उनका कोई इशू नहीं था। ये कोई 100% इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जिसके साथ भी आता है वो बेचारा परेशान हो जाता है। जैसे हमारे मान लो हमारे 500 आदमी है, उसमें से अगर 20 के साथ भी ये प्रॉब्लम होगी तो उनका उनका दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है कि हर किसी को पता होना चाहिए। सर मैं जो है ना हर हज में पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ जो डायरेक्शन आपको मिलेगा उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मिलता है सर, और ऑलमोस्ट हमारे हाजी 90% वो पढ़ नहीं पाते हैं, उस मेरे के साथ वो चल नहीं पाते हैं। जो है किसी केस में कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपको अरफात से मुजलिफा आना है उस वक्त बस का इंतजार ना करें, बेहतर यही है, क्योंकि इस साल हमने बस का इंतजार नहीं किया, हमारा एक ही आदमी खो गया। अगर बस का इंतजार करते तो शायद 10-15 का तो 100% खो जाना था, क्योंकि हर कोई एक ही टाइम एट ए टाइम हमारे लिए पर्टिकुलर मखसूस बस तो आता नहीं है, वो तो अनेकॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है या उस मकतब के लिए बस आता है, तो सारे उसमें बैठ नहीं पाते हैं। एप्लीकेशन लाया 475 लगभग जो है, सभी एप्लीकेशन को अप्रूव करके और उसमें से जो जो जाना चाहते हैं सभी लोगों को इस बार जो है एक हज बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। मोटे मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी हमने सहूलियत देने की कोशिश किया, अब उसमें एक दो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम इधर उधर हो सकता है, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो ये 4-5 पॉइंट जो है, मान लो हमने पासपोर्ट उधर कैंप लगा के 525 पासपोर्ट ऑन स्पॉट क्लियर करना हो, या सबको एक ही जहाज में भेजना हो, या यहाँ पे वहां पे बैठने की व्यवस्था करना हो, या यहाँ से जो है कोटा सिस्टम खत्म करना हो, लॉटरी सिस्टम खत्म करना हो, ऐसे मोटे मोटे 5-6 पॉइंट जो है मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो बिल्कुल हिस्टोरिक है। हाँ, हो सकता है एक हाजी को जो है ज्यादा तकलीफ हो, उसका रास्ता थोड़ा भटक गया हो, ऐसे प्रॉब्लम जो है कभी खत्म होने वाले है नहीं है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है एक ह्यूमन लाइफ में। इस तरह के अगर कोई एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम तो वो जो है नेवर एंडिंग है, वो होता है, लेकिन हमारा कोशिश होना चाहिए कि वो भी मिनिमाइज किया जाए, वो हम सब मिलके कोशिश करेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में वो 180 होगा, 50 तो हमारा वो ऐड करेंगे, उधर ही देंगे ताकि किसी ऑप्शन पे उंगली ना उठे। जो भी हम पासपोर्ट इशू करेंगे उसके साथ एक स्क्वायर भी होगा हर एक हाजी। तो सब देखा आपने जो बाहर कंट्री में चले गए हज कमेटी ऑफ ये लिखा हुआ था, यहां तक कि ईरान का भी देखा ग्रुप था वहां लिखा हुआ था। जो एक चीज अब खादिम हुज्जा जो जाते हैं ना उनके सहूलियत के लिए अब उनकी सहूलियत के लिए हाजियों को एडवांस बताना, अगर तुम्हारे हाथ में जो एड्रेस और ये कार्ड वगैरह नहीं हम ढूंढना नहीं है, ये एडवांस ही क्योंकि कार्ड नहीं ये कहाँ ढूंढेगा, इसने तो इतना खर्चा करके कहाँ कहाँ गया खुद को पता, जो हम जैसे दो तीन को पता है इसने क्या क्या नहीं किया। तो आप लोगों को पता भी है एक तो नया कमेटी बना है, इसमें सब ने कोशिश किया, खासकर गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेबल एमपी साहब ने बहुत कोशिश किया, हम उनका मशहूर है नोट बस देगा
अगले साल ची बार बचत न दो दिगर मैं तो जेर बार बच जू बाकी सरकार की तरफ नहीं अंखर मुंगाते दिगर कोशिश बसे आगे फॉरवर्ड बसे इसके लेवल पे हमें टेकअप करने की जरूरत है ना सर जी हमें एग्जाम चीज है और अवेयरनेस रिलेटेड तो उसमें हमें सब कुछ करने की जरूरत है आपका एक जो खादिम रोजगार जैसे बढ़ा ही बहुत जगह निस्पेरा होता है तो आपका सबसे एक मेजर हमारा बढ़ाने का उसको हमें आगे टेकअप करने की जरूरत है एक आपका आता है जो ग्रुप वाला जिसके लिए सबसे हमारा सजेशन तौके साहब ने अच्छा दिया कि स्क्रूटिनी के टाइम पे हमें ग्रुप का करना पड़ेगा उसके बाद आपका जो है जो कि हज कमेटी जो अपने लेवल पे करेगी वो छोटे मोटे हैं उसमें एक आपका जो कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखना पासपोर्ट का उसमें कॉपीज एक्स्ट्रा रखना या उसके बाद जो आपके बस वाला ये सब तो ऐसे ही लेकिन जो मेन था आपका जो खुदाम बजाज वाला और एक आपका हमें एक ये चीज मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री को टेकअप करने की जरूरत है क्योंकि जब हमारे यहाँ से डॉक्टर्स मते दिखा निकलता नहीं जो हमारे यहाँ से दो डॉक्टर गए थे बाद में उनका जो इशू मता गोर इंजर मती छमिन खान जो से मता दिखा उनका लेटर लेट निकला था ना कोतवाल से वहाँ पे फॉलो अप करके उनका हमारे यहाँ से दो डॉक्टर्स अपने यहाँ से भेजे हैं लेकिन वो डॉक्टर यहाँ जगह चिका ड्यूटी था हमारे दोस्तों वो हमारे लोगों को शायद ध्यान दे फायदे वहाँ पे माशागंज हो मैं एक आपको शायद डिस्टर्ब करूंगा बजरा में पूछते ही जिस होटल में रखा ना वहाँ बुफे लगे थे खाने का अब वहाँ तो 1700 हाजी उसी होटल में वहाँ गया था हम गया ये क्या है इनके वालों को नहीं दिया क्या हम हाजी नहीं जोर क्या दो चार आदमी हमारे ऊपर देखा भी कहीं भाई क्या हुआ वहाँ जी हमको बोला जू एंटीन नोट भाई सब हमने कुछ एंटी को फोन भी किया हमें खाना नहीं मैंने जाकर पूछा बादशाह जी ये इंडोनेशिया बांग्लादेश इनका पैसा पहले होटल में दिया हुआ है हमारे हाजू को ये भी पता नहीं कि भाई हाँ ये हमारे क्यों देगा हमारा पैसे ही देगा हमारे हाजू एड्रेस नहीं होने से थोड़ा वो जो इस बार जो कुछ कंप्लेंट आई थी ना जो व्हाट्सएप पे आई थी वो इंडिविजुअल इस पे आई है मैंने इसमें ना गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराता हूँ ना हज कमेटी को ये हमारी अवेयरनेस न होने की वजह से आई है फिर कुछ आदमी ने लिखना शुरू किया मैंने यार माफ करो यार खुदा के लिए ये आरएनटी का पैसा दिया हुआ है वो हमको क्यों दे एक चीज ऐड करूंगा जो कार्ड लेकर इंशाल्लाह करेंगे जो इश्यूज आपने बताए हैं गांव मिनिस्ट्री नंबर टेकअप जो बशावर या जो चीजें हमारे लेवल पे हो सकती हैं अब नचा पुलिस शेयर पढ़ना आप इसको प्रोग्राम अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह हमारा एक ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम जो है ये सारे इश्यूज ना हो इस बार से भी अच्छा हो ऐसा इंशाल्लाह इशू किया था तो पासपोर्ट कलेक्शन हुआ उनका वीजा भी अप्रूव हो गया है तो इमिग्रेशन का उन्होंने स्टैम्प भी लगाया उन्होंने भी ध्यान नहीं किया फिर आगे जाके बोला भाई ये तो ब्लैंक है ये नहीं होगा फिर इमीडिएट उन्होंने पहले उसका स्टैम्प कैंसिल बाद में वो लोग भी फंस जाते हैं ना फिर उन्होंने बोला स्टैम्प कैंसिल सर ये नहीं जा पाता है इनका जो बैगेज है वगैरह पहले तो उन्होंने बोला कि पूरा कवर हेड का उनको वो करेंगे फिर बाद में रखा फिर मैंने मैनेजर साहब से भी बात किया फिर तौकीर साहब के साथ उनको भेज दिया तो बड़ा ही करामत हो गया सब वो तो मैनेजर मैं ये कहूँगा कि जो भी अरेंजमेंट थे कोई पॉलिटिकल बेस पे नहीं कहूँगा जो भी अरेंजमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट है 25 लाख आदमियों का अरेंज करना कोई आसान काम नहीं और जैसे साहब ने कुछ शिकायत किया ना ये मुझे लगता है हमारी हज कमेटी की हदूद में ये चीज़ें नहीं खासकर बिल्डिंग का हाँ एक चीज़ बिल्डिंग का हो गया था नैना से हमें फ़ोन आया जो जोफा पहले गए थे बोला हमें थोड़ा परेशानी है हमने बात एमपी को भी उठाई था लेकिन जवाब मिला वहाँ से सबसे आपने जवाब दिया ये एक हमें एक हौसला ये हो गया हाँ यार कुछ कुछ काम लागे है चाहे आप लोगों ने आगे बात किया हो ना क्यों दूसरी बात है लेकिन हम बस में गए जन ऑप्शन भी थी था था तो लेकिन उस टाइम हमारे साथ हाजी थे कम 40 लेकिन हमने उनको पकड़ पकड़ के फिर भी वो एक द्रास के हाजी चले गए थे बाद में वो नकीले वो मीना पहुंच गए ऊंचा था वो तो लेकिन 10-11 बजे तक बस आते थे लेकिन काफिला कम होता तो हमने बस ले लिया था उनको मजा वहाँ पर उस कवर हेड नंबर से मुझे मिलवाया और उनसे बात करके मुझे भी तसल्ली हो गया हाँ जी ठीक है उनका कोई परेशानी नहीं है बोलते सर आप अपनी लैंग्वेज में इनसे बात कर लीजिए मेरे सेटिस्फाई है कि नहीं इसी तरह एक दो नहीं 3-4 भी लोगों का जहाँ भी इशू हुआ खुद पर्सन विजिट करके गए तो मैं बहुत ही मशक्कत कर रही हमारा एक सर ऑन बिहाफ ऑफ खादिम हमारा एयरपोर्ट से जब गया मीखा पे जोफा 9 बज तक किसी में 40 किसी में 39 किसी में 43 वगैरह तो उसमें क्या हुआ जो मैं खुद था बस में मैंने अपने लोगों को जो उसमें था 41 नंबर था बोला भाई तुम्हारा बस नंबर नोट करो दूसरे बस वाले ने अपने टिकट बना के था वो दे दिया
हाथों में थमा के मस्जिद में गए, एहराम बांध के आया, तो उसमें हम लोग को कितने घंटे, जो 3 घंटे देखा हैदराबाद मुंबई और जो बेंगलोर के जो हमारे इन एडिशन था एकोमोडेशन होटल में, तो उस वजह से बहुत चला। और जहर सर ने मुझे मैसेज किया था कि बस क्या है, मैंने उनको बोला था कि बस के इंतजार आप ना कीजिए, चाहे जैसे भी हो आपको चलना ही पड़ेगा, फिर अगर बस के इंतजार करेंगे पहुंचना नामुमकिन है सर। हमारे सर बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका भी, सर की तारीफ सबको खत्म करने का हौसला अफजाई करें, और हबीब साहब का अफजाई करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे मीडिया फ्यूटिलिटी के बहुत आपका भी वेलकम करता हूँ, आज कमेटी ऑफ लद्दाख की अपनी सरद साहब का भी जो भी इस टाइम में कवरेज रहा, तो पूरे मीडिया फ्यूटिलिटी की आपने ध्यान में ले लीजिए, तो थैंक यू सर। सालू साहब जो मॉल है सालू साहब कवरेज और गवर्नमेंट के ये जो मैसेज हमारे तरफ से पहुँचाना है, बहुत बहुत रेडियो कारगिल से आप ही टाइम टू टाइम से गुजारिश करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से 2023 का जो हमारा हज का एक मिशन था उसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे माहौल में ये हमारा मीटिंग ख़त्म हुआ। इस मीटिंग में हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब जमान हुसैन नमग्याल साहब, जो हमारे हज कमेटी ऑफ लद्दाख के मेंबर भी है, उनकी उपस्थिति में हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुशरफ अली हाफ साहब हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे, और साथ ही साथ सैयद तौकीर अहमद जो हमारे ऑफिशियल में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के फरेज़ अंजाम दे रहे हैं, तो साथ ही उसमें हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो लेह और कारगिल दोनों से थे, हमारे ऑनरेबल मेंबर मिर्ज़ा साहब जो हमारे लेह से है और शुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर भी हैं लेह से थे, और साथ ही साथ कारगिल से हमारे ऑनरेबल मेंबर अली चंदन जी जो हमारे शेरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर भी हैं, साथ ही साथ हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रेसिडेंट और हज कमेटी के मेंबर ज़हीर बाबर साहब, और हमारे जो मोस्ट सीनियर खादिम अल हुजाज और ट्रेनर हाजी अली साहब, ऑफिशियल में हमारे ताहिर साहब, और वर्चुअल मोड पे जो हमारे मेंबर्स और ख़ासकर जो हमारे ट्रेनर्स और इस साल के खादिम अल हुजाज जो हाजी अली खान साहब और इफ्तिखार साहब वर्चुअल मोड पे थे, नज़ीर साहब जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ले से थे, तो ओवरऑल पे डिस्कशन रहा कि इस साल का जो 2023 का हज किस तरह रहा, उनसे फीडबैक लिया कहाँ पे क्या कमी पेशी रही, कि नेक्स्ट में 2024 का जो हज से शुरू होगा उसके लिए हम उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सके, और कुछ हमारे जो हुजाज में से भी ख़ासकर आका शेख कराती साहब और ज़िया साहब हुजाज किराम में से मखसूस यहाँ पर मदू करके लाए थे, कि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज फीडबैक वगैरह जो भी लिया, तो सबके जो भी ग्रीवेंस हजों को लेकर था, जो भी मसाइल दरपेश आए इस साल हज के लिए, तो आलमोस्ट हमारा 90% बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें हमारे जो खादिमेनुल हुजाज जो ट्रेनर्स की ने जो अच्छा ट्रेनिंग दिया, और जो खादिमेनुल हुजाज साथ में रहा, साथ ही साथ वॉलंटियर बेस पे हमारे शेख कराती साहब का भी बहुत ही अहम रोल रहा, उसके अलावा ज़िया साहब भी जो जुड़े थे, तो सब का पूरे कमेटी की ओर से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, और इनको हमारे जो टीम थे उनका हतक से भी नवाजा। तो आने वाले जो एक्शन प्लान के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि 2024 में किस तरह जो इस साल कमी पेशी रहा वो हम किस से बेटर हम कर सके, इस विषय पे चर्चा रहा। तो आने वाले टाइम में ऑनरेबल एमपी साहब की कदर में मिनिस्ट्री से भी जो हम खासकर खादिमेनुल हुजाज का बढ़ाना ये मेन पॉइंट रहा, उसके अलावा जो स्टेट हज कमेटी की ओर से जो इसमें कमी पेशी रही या कुछ और अच्छा करने के लिए अवेयरनेस कैम्प वगैरह का भी इसमें जिक्र हुआ, इन सब को लेकर आने वाले टाइम में भी हम इस तरह गेट टुगेदर करते रहेंगे।
तो आने वाले टाइम में हमारा 2024 का एक अच्छा सा बढ़िया हज परफॉर्म हो, इसके लिए एक तैयारी चल रही है हज कमेटी को लद्दाख की ओर से। जो हज सर इस साल का जो हज सर जवाब जो दिया था उससे पहले एक पासपोर्ट कैंप करगिल में लगा था सर, जी आगे बात भी किया था, तो सितंबर के महीने में एक स्पेशल पासपोर्ट कैंप करगिल में लगना था जी। जी हमने मिनिस्ट्री में ये चिट्ठी लिखा है, तो दो बार में हमारे जो पासपोर्ट ऑफिसर साहब है उनसे भी मीटिंग हुई, तो टिल डेट तक हमें थोड़ा मिनिस्ट्री से इसमें क्लियरेंस नहीं आ रहा है, वहाँ से एनओसी नहीं मिला, तो उसको लेकर ये थोड़ा फाइल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ पहले डेट फिक्स हुआ था, अभी थोड़ा वहाँ से कुछ इशू को लेकर ये मस पेंडिंग रहा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में भी जल्द से जल्द कैंप भी हो, और पूरा हज कमेटी इस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कारगिल के अंदर सेपरेट जो सेवा के अंदर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.